इतने बड़े मंच पर आज आप, इतने बड़े मंच पर आप आज अल्पेश ठाकुर को मिस नहीं कर रहे? देखिए ज़रूर सबको साथ लेके, मेरे दोनों और सेक्रेटरी भी है, आज नहीं आ पाए, सेक्रेटरीज अपना अपना काम करते हैं, राजेश लिलोथिया जी और वीरेंद्र राठौर जी, अल्पेश ठाकुर, तीन मेरे सेक्रेटरी आज मंच पे वो नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने भी कहा है कि एक ही मंच पे हम सब बैठे रहें, उसकी बजाय सब अलग अलग क्षेत्र में अपना संगठन का काम लेके आ रहा है। कहीं इस बात का भय तो नहीं कि अल्पेश ठाकुर अगर आ जाते तो कहीं जो विरोध है उनका बहुत ज़्यादा होता और एक हंगामा हो जाता और एक आपका जो कार्यक्रम है विवादास्पद हो जाता अल्पेश ठाकुर के आने से? देखिए मैंने कुछ तथ्य रखे, मैंने बाकायदा वो सारी हकीकत दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखी। बिहार और गुजरात का नाता एक अटूट प्यार का नाता है, गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि तो बिहार महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि। भाजपा ने कहीं ना कहीं जहर घोलने की कोशिश की, मैंने वीडियो दिए आप लोगों को, मैंने खुद भी बात किया था आपसे अहमदाबाद में, मुझे भेजा था, और वो वीडियो जो है वो भाजपा के MLA कह रहे कि मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया है कि 20% से ज़्यादा हम किसी फैक्ट्री में चलने नहीं देंगे, वो धमकियां देते हैं। काफ़ी सारे भाजपा के नेताओं के सोशल मीडिया पे पोस्ट मुहिम, अल्पेश ठाकुर ने सबसिक्वेंट सारे काम, बाहर से आए हुए लोगों को दिक्कत ना हो, सद्भावना का काम, उपवास का काम, जोड़ने का काम किया, जबकि भाजपा की ये सोची समझी साजिश थी, विफल रही है भाजपा। गुजरात में रोजगार नहीं रहा, लोगों का रोष था, किसान को दाम नहीं, इंश्योरेंस की रकम नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ये किसानों में रोष, नोटबंदी और GST से व्यापारी नाराज, तो भाजपा ने अटेंशन डाइवर्ट करके ताकि लोग पेट्रोल डीजल के दाम भूल जाए, कमज़ोर रुपया भूल जाए, उत्तर गुजरात से आए हुए लोग और स्पेशली बिहार के लोगों पे हमले करवाने की साजिश। मैं चूंकि आप गुजरात में जितने कांड हुए, सिर्फ आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद शायद आप पटना पहली बार आए हैं, तो मेरा ये सवाल तो बनता ही है कि गुजरात में जो भी हाल फिलहाल में पिछले एक महीने में हुआ है उसमें आप मूल कारण क्या मान रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे और किन बातों से ये बातें आगे बढ़ गई हैं? देखिए पहली बात तो मैं पहली बार नहीं हूँ, उसके बाद जब हो रहा था मैं यहीं पे था। अच्छा ठीक है। और चार दिन तक लगातार मैं यहाँ पे था और मैंने यहीं से कहा था, अपील भी की थी कि गुजराती होने के नाते मुझे शर्म हो रही है, गुजराती मानता है वसुधैव कुटुंबकम, जितना अधिकार गुजराती को और प्रांत में रहने का है इतना ही किसी भी हिंदुस्तानी को गुजरात में रहने का अधिकार है, ये भाजपा की सरकार की जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, यूपी से चुनाव जीतते हैं और यूपी बिहार ने सबसे ज़्यादा सीट भाजपा को NDA को दी और उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, जवाब दीजिए आप, वो मैंने कहा। तो ये प्यार का नाता का और कांग्रेस हर वक्त ये मानती है। बम्बई में एक भाजपा के साथी ने जब ये बाहर के प्रांत के लोगों को भगाने की कोशिश की तब भी हम लड़े थे, कांग्रेस वहाँ लड़ी थी, तो ये हमारी विचारधारा है और इसको साथ लेकर। आखिरी सवाल है सर, क्या अल्पेश, नहीं ठीक है ये बिल्कुल आखिरी वाला ही आखिरी है, क्या अल्पेश ठाकुर अब आपके लिए गले की हड्डी नहीं बनते जा रहे हैं और क्या कांग्रेस उनको बिहार के सह प्रभारी पद से आने वाले वक्त में हटा भी सकती है क्या? देखिए सबसिक्वेंट सारे एक्शन मैंने आपको कहा, एक OBC नेता है उसको एक साजिश के तहत फंसाया गया, उसका हर कदम उसके बाद, अगर उसने गलती की होती, नई बात मानी होती, मेरे कहने पर उन्होंने अपील की, मेरे कहने पे वहाँ पे सद्भावना रैलीज निकाली और सबसीक्वेंट सारे एक्शंस वो हमारी विचारधारा के तहत हैं, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं। हाँ मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर क्रिमिनल केस और सिविल केस में फाइल करूँगा, क्योंकि वो पाप उनका था और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश। थैंक यू।